तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या सही में मून पे कोई गया है, क्योंकि मेरे को आज तक नहीं लगता है, मेरा बिलीफ ही नहीं है कि आज तक कोई गया ही नहीं है मून पे। मैंने सबसे पहले ये वीडियो टिकटॉक पर डाला था, छोटी सी, जो इतनी वायरल हो गई थी, जैसे 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, 100 मिलियन व्यूज़ पहुँच गए थे सॉरी, और फिर मैं उधर से पॉपुलर हो गया था। तो मेरे को ना कितने कमेंट्स आते कि फुरकान उस पर बनाओ, तो अभी मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, एक भी मिनट स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अमेजिंग वीडियो, मतलब आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों ऐसा, क्यों मून पे कोई नहीं गया। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को बोलना है कि जो सबसे पहला इंसान था जो चांद पे गया था, उसके बारे में मैं आप लोग को ना ऐसी थियोरीज बनाऊंगा। फिर सेकंड में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी क्यों नहीं जा रहे लोग चांद पे, क्यों सैटेलाइट्स को ही भेजा जा रहा है। और थर्ड मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर चांद पे सही में गए थे तो वहाँ पर अभी ये ना कुछ प्रूफ क्यों नहीं आ रहा, बाकी चीज़ें, मतलब वहाँ पर अगर एलियंस एलियंस दिख रहे तो हमें क्यों नहीं दिख रहे अगर वहाँ पर सैटेलाइट लगाए तो। तो ये तीन टॉपिक कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पहला इंसान गया था वो क्यों उतना पहले गया था, फिर उसके बाद क्यों नहीं गए लोग। तो अभी ना सबसे पहला इंसान आप लोग को मानूंगा नील आर्मस्ट्रांग है, वो गए थे। कितने जन में ऐसा डिबेट किए थे वो सब कमेंट्स में कि फुरकान वो गए थे 100% गए थे, उनने चांद पे ये लगा वो लगा। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, उनने ना चांद पे सबसे पहले तो फ्लैग लगाए थे अमेरिका का। अभी अमेरिका का फ्लैग लगाए थे ना, तो अमेरिका का फ्लैग ऐसा हिल रहा था, आप क्लियरली देख सकते हिल रहा है। मैं ऐसा कुछ बोल रहा नहीं हूँ कि भाई वो हवा, आप क्लियरली देखो, वीडियो ऑफिशियल वीडियोज है, आप देख सकते हो हिल रहा है। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि चांद पे हवा ही नहीं है तो वो फ्लैग कैसा हिल रहा था। अगर चांद पे हवा होती तो हम खुद इंसान ही नहीं रह लेते वहाँ पर, वहाँ पर हवा नहीं इसलिए तो हम इंसान नहीं जा सकते वहाँ पर आज तक। अभी लोग जिधर गए थे वो शायद एक सेट हो सकता है, या पानी के अंदर गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ओशन के अंदर जाके कवर करते हैं। हमें लगता है कि उन लोग गए स्पेस में, क्योंकि स्पेस में आज तक कोई गया ना, स्पेस में डूम है ऐसा बोलते हैं। अभी मैं आप लोग को थियोरीज बताता हूँ। पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब इन लोग ना चले भी गए थे नीचे, आप लोग देख सकते थे कि जो उन लोग है ना ब्लू स्क्रीन यूज़ करते, जैसे हम ग्रीन स्क्रीन के साथ पीछे यूज़ करते बैकग्राउंड में, वैसे उन लोग है ना ब्लू स्क्रीन यूज़ करते, और कितने ब्लू स्क्रीन ग्लिचेस में कॉट हुए। ये समझो ये मून के टाइम पे नहीं, अगर उन लोग है ना सिर्फ अर्थ के बाहर भी जाते ना कोई स्पेस स्टेशन में सैटेलाइट को ठीक करने या कुछ भी करने, तो आप ब्लू स्क्रीन देख सकते हो उन लोग के पीछे। अभी इन लोग रियल में वहाँ पर गए, रियल में इतने पैसा खर्चा किए, रियल में इतने महंगी चीज़ें पे गए, तो उन लोग को ब्लू स्क्रीन यूज़ क्या कह को करने की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ फुटेजेस भी है, मैं डाल रहूँगा, आप लोग को दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो कोई वादा नहीं, हो कॉपीराइट इश्यू होगा तो मैं नहीं डाल रहूँगा। अभी मेरे को आप लोग को बताना है, चलो वो टाइम पे है ना क्या होता है मालूम है, उधर है ना ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप एक जंप मारो ना तो आप इधर से सीधे जाएंगे बिंदर पे, मैं जिधर रहता हूँ उसके बाद, तो बीच पे समझ जाओ। तो है ना अभी आप अगर क्लियरली देखेंगे ना वीडियो में, तो लोग फोर्सफुली ऐसा लग रहा है जंप मार रहे थे, एक जगह से जंप मार के दूसरी जगह जा रहे मिनियंस की तरह, अगर आप क्लियरली देखेंगे तो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% ये सब नहीं, आप क्लियरली वीडियो में ही देख लो, 100% लोग ऐसा लग रहा था जंप मार के एक दूसरे स्पॉट पे जा रहे। थर्ड चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उन लोग के फुटप्रिंट्स, जो लोग जूते पहन के मून पे गए थे वो फुटप्रिंट्स, और जो लोग के जूते को म्यूजियम में रखा गया जो रियल जूते, वो एकदम ही अलग है, मतलब मैच ही नहीं होते। इसके बारे में भी मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो लोग बोल रहे थे कि फुरकान जब लोग ना मतलब मून पे गए थे और वापस आ गए थे, तो जूते की जो सोल थी वो निकाल लिए थे उन लोगों ने, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत मिट्टी जमा हो गई थी। मतलब सेंस बनता है ये बात का, कोई मिट्टी जमा हो गई थी तो सोल ही निकाल दी, और जूता वैसा का वैसा ही है, मतलब क्या क्रेजी हम लोग है, वो जूता ही नहीं है वैसा। आप क्लियरली देखेंगे जो म्यूजियम में रखे वो एक मॉडल को रखा गया है, और जो रियल जूते पहन के जो फेक मून पे गए थे वो अलग थे, तो आप फुटप्रिंट से भी मालूम पड़ सकता है। वो टाइम पर लोगों को क्या लगता होगा कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी है लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी है कि मालूम पड़ता है कि लोग वहाँ पर गए नहीं है। अभी मैं आप लोग को सेकंड टॉपिक कवर करता हूँ। सेकंड टॉपिक है कि वो टाइम पर लोग गए थे इतने साल पहले, तो अभी क्यों नहीं जा सकते जब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, इतनी चीज़ें आ गई है। अभी तो इलॉन मस्क ने वो भी लॉन्च किया है, मतलब स्पेस एक्स और अमेजोन वाले ने भी लॉन्च किया है, तो वो कैसी है मतलब मैं स्पेस पे जाएगी और फिर वापस आके वापस खड़े हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत करोड़ों रुपए बच जाते हैं, क्योंकि एक बार जब स्पेस में पहले चले जाती थी एयरक्राफ्ट जो भी होती थी रॉकेट्स, और वापस नहीं आ पाती थी, मतलब आती थी तो ख़त्म हो जाती थी, ब्लास्ट हो जाती थी, छोटी सी आती थी। अभी वही चीज़ वापस आती है, वापस खड़ी होती है, वापस रीयूज़ हो सकती है,
तो लोग ने करोड़ों रुपए बचा लिए गवर्नमेंट का, अभी वो लोग टैक्स भी नहीं भरते क्योंकि इतने पैसे ऑलरेडी बचा लिए गवर्नमेंट के। तो अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई जो वो टाइम पे नहीं थी, तो आज क्यों नहीं जा सकते। अभी मैं आप लोग को एक थियोरी बताता हूँ, ये रिसेंटली थियोरी आई थी, मैंने इसके ऊपर स्टडी किया था, बहुत जन इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए मगर इंडिया में कोई नहीं बनाए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ना जब चांद पे जाने का टाइम था, नासा था और ना सामने वाले ये थे रशियंस थे, तो लोग दोनों के बीच में ना मतलब वो टाइम पे वॉर्स भी बहुत होते थे वर्ल्ड वॉर, तो ये दोनों के ना बीच में ना लफड़े चल रहे थे कि कौन सुपर पावर बनेगा, रशिया क्या अमेरिका। अभी है ना दोनों के ना बैटल चल रही थी कौन सबसे पहला रॉकेट बनाएगा जो मून पर जाएगी। अभी है ना थोड़ा ही टाइम बच गया था, मतलब समझ जाओ अमेरिका की सैटेलाइट निकली उसके 4-5 घंटे बाद ही रशिया की बन गई थी, मगर जैसे वो निकल गए पहुंच गए न्यूज़ पे फैल गया कि ये हो गया, तो रशिया ने निकाली नहीं, रशिया ने स्टॉप कर दी वो चीज़ को। लेकिन कहते हैं कि वो रेस के अंदर जीतने के लिए अमेरिका ने झूठ बोला, यूएस ने झूठ बोला, वो कभी स्पेस पे गया ही नहीं था, उसने सिर्फ एक सेट बना के ऐसी जगह भेज दिया था लोगों को कि लोगों को लगता था वो रियल है, शायद एरिया 51 हो सकता है इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि अगर चले गए तो हमको ऐसा मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर सेट बने हुए, हो सकता है पॉसिबिलिटीज इज अनइमेजिनेबल क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी, तो अभी जाओ ना अभी क्यों नहीं जाते, अभी क्यों सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। अभी बोले रिसेंटली जाने वाले मगर मेरे को तो नहीं लगता जाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता 10-12 साल के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने अभी एक और एक सीन सुना था ऐसा कि हमारी अर्थ पे एक डोम है, तुम अभी है ना एक आदमी ने ना एक सैटेलाइट भेजा था जो नासा की नहीं थी ना गवर्नमेंट की थी, खुद की थी, वो जैसे उसने भेज दिया था ना आसमान के अंदर वो टकरा गई एक चीज से और गिर के खत्म हो गई। अभी वो टकरा ही ना तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक से कांच चीज को टकराई, कांच वाली सैटेलाइट वैटेलाइट को नहीं टकराई और ऊपर कुछ भी नहीं था, सैटेलाइट्स ही नहीं थे, वो जैसे टकरा के गिरी ना नीचे तो उसको समझ में आ गया कि भाई ऊपर डोम है। अभी वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है मेरे को तो नहीं मालूम, और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ऊपर डोम है तो सैटेलाइट्स नहीं होती तो हमारे मोबाइल पर सिग्नल कैसे आते। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना पड़ता हूँ, आपके वाईफाई और जो भी चीज़ होती है ना नेटवर्क की जो वायरिंग रहती है या कुछ रहती है वो एक्चुअली पानी के अंदर से आती है, तो हो सकता है लोग पानी के अंदर जाते हो। लोगों को बोलना चाहता हूँ ये सब कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, मेरी थियोरीज है, मुझे लगता है कि कोई मून पे गया नहीं है। अगर आपको लगता है मून पे गया तो आपका बिलीफ है वो आपके ऊपर है। अभी एक आदमी ने जब वो है ना नील आर्मस्ट्रांग के पास गया था ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरे के पास गया था, नील आर्मस्ट्रांग के पास बाइबल लेके गया था और बोला था अगर है ना मैं आपको एक चीज़ पूछूं, जब बोला पूछो बोले तुम सच बोलेगे, बोले मैं 100% सच बोलूँगा, ये लिटरली एक इंटरव्यू है जो चल के जा रहे थे नील आर्मस्ट्रांग, तो उनको बाइबल लिए बोले पकड़ और बोल के तू है ना मून पे गया था, लिटरली भाग रहे थे नील आर्मस्ट्रांग और बोले मैं नहीं बोलूंगा, इसको हटाओ यहाँ से, सिक्योरिटी बोलो इसको हटाओ, क्यों ऐसा। अगर आप गए मून पे, फॉर एग्जांपल आप गए, मैं गया मून पे, मैं तो शो ऑफ करूंगा ना कि हाँ मून पे गया, ला बाइबल ला कुछ भी ला, मैं हाथ रखूंगा और बोलूंगा हाँ मैं मून पे गया था अगर मैं गया हूँ तो, और मैं शो ऑफ करूंगा लोगों को, फोटोज बताऊंगा अपनी, कुछ भी नहीं, क्यों ऐसा। मतलब अच्छा चलो फोटोज नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल होएगा, वो लोग बोले थे लोगों एलियंस दिखा था, मैं एक दूसरे टॉपिक में कवर करूंगा, लेकिन अगर फोटोज नहीं दिखा सकते एटलीस्ट बाइबल पे हाथ रख के तो बोल सकते हैं कि आप चांद पे गए थे, चांद किधर है, चांद पे गया ही नहीं कोई। तो ये वीडियो थी कि चांद पे कोई गया ही नहीं। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, शॉर्ट्स पे क्या देखना है, अगर आपको कुछ भी देखना है मैं 100% बनाऊंगा। नीचे अमेजोन की लिंक दियो, एंजल ब्रोकिंग की लिंक दियो, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग से आप पैसे कमा सकते हो, आप जाकर वहाँ पर मेरे रेफरल से अगर आप अकाउंट बना दिए तो आपको फ्री अकाउंट बनने मिलेगा, फिर इसके बाद IPOs खरीद सकते हो जिसमें 100% प्रॉफिट है, आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते जिसके शेयर नीचे तो ऊपर आने के चांसेस है, इंडियन चीज़ है तो कुछ फेक भी नहीं है, और ये ऐप ऑफिशियल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, तो कुछ भी ऐसा नल्ला कुछ भी नहीं है। और मेरे को आप लोग को बोलना है कि मैं एक्चुअली अभी दुबई में हूँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो अगर आपको मेरी दुबई की स्टोरीज देखना है, दुबई के व्लॉग्स देखने हैं, व्लॉग्स मैं इधर डालूंगा, मगर स्टोरीज देखना है तो इंस्टाग्राम की लिंक, स्नैपचैट की लिंक और मेरा यूट्यूब की स्टोरीज की लिंक, इस पर मैं स्टोरीज डालते रहूँगा और शॉर्ट्स पे भी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग टाइप डालते रहूँगा, जो भी आप लोग को देखना है मैं 100% बनाऊँगा। आपको यूट्यूबर बनना है, नीचे अमेजोन की लिंक से एक डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, खरीदो सामान, मेरी तरह यूट्यूबर बनो।